हेलो स्टूडेंट, द साउंड ऑफ म्यूजिक में 5 सेकेंड की बात करते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर, परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन विद वोकैबुलरी एंड MCQ। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या क्या बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और MCQ भी सॉल्व करेंगे। ये राजीव प्रकाशन पर आधारित ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज पुंगी बैंड, हु बैंड इट। पुंगी कहाँ बैंड हुआ था और किसने बैंड उसको किया था। पुंगी वाज बैंड इन द रॉयल रेसिडेंस ऑफ एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के घर पे वो बैंड हुआ था। द एम्परर हिमसेल्फ बैंड इट, और राजा औरंगजेब ने स्वयं इसको बंद किया था। व्हाट डिड द मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स अबाउट द पुंगी व्हेन इट वाज बैंड। प्रायः लोग क्या सोचते थे जब इसको बैंड किया गया था, इसको जब बंद किया गया था। द मोस्ट ऑफ पीपल्स व्हेन पुंगी वाज बैंड थॉट डैट वुड नेवर रिरीव। लोगों ने ये सोचा था कि अब ये दोबारा ये प्रचलन में नहीं आएगा, इसका अंत हो गया है। व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू द शहनाई। कह रहा है कि बार्बर ने किस तरह से पुंगी को शहनाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको रूपांतरित कर दिया। ही टुक ए पाइप विथ नेचुरल हेलो स्टेम। उसने एक पाइप लिया, इट वाज द लॉन्गर, वो लंबा था, ब्रदर देन द पुंगी, पुंगी से थोड़ा सा बड़ा था। ही मेड 7 होल्स, उसमें 7 होल किया ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, पाइप के बॉडी में। दस द पुंगी गॉड ट्रांसफॉर्म इन टू द शहनाई। इस तरह से पुंगी किस तरह से हो गया, शहनाई का रूप ले लिया। हाउ वाज द रिफॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज शहनाई। कहा जा रहा है कि सुधारे हुए संगीत वाद्य यंत्र को कैसे शहनाई के रूप में जाना जाता है। एज द इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड इन द साहस चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय नाई, मतलब बार्बर, इट देयर फोर वाज नेम्ड द शहनाई। ये साह लिखा हुआ है, ठीक है, यह है साह। ये कहा जा रहा है इसमें कि क्योंकि वाद्य यंत्र साह के कक्षों में बजाया जाता था और इसे एक नाई द्वारा बजाया जाता था, ठीक है, इसी कारण इसे शहनाई कहते हैं। शहनाई जो इसमें लास्ट में नाई जुड़ा है ना, तो वह नाई के नाम से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, टिल रिसेंटली वेयर वाज इट यूज, हु डज द क्रेडिट गॉट टू ब्रिंग इन टू इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट किसको जाता है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल। यह जो हाल के दिनों में जो है केवल मंदिरों में यूज होता था एंड वेडिंग्स, विवाहों में। द क्रेडिट टू ब्रिंग इन टू द क्लासिकल, क्लासिकल में लाने स्टेज, क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए इसका जो श्रेय है गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्ला खान। इसका श्रेय किस पर जाता है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है इसको कहाँ पर लाए, क्लासिकल स्टेज पर लाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाउ डिड 5 ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्ला स्पेंड हिज डेज इन डुमराव। कहा जा रहा है कि डुमराव में 5 वर्ष वो कैसे बिताए डुमराव में, ठीक है। आंसर है 5 ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्ला स्पेंड हीज डेज इन डुमराव बाय पुंगी प्लेइंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आप तो जानते होंगे, गिल्ली डंडा एक खेल है। उन्होंने 5 साल गिल्ली डंडा खेला, कहाँ पर, जगह का नाम क्या है, डुमराव में, ठीक है। उसके बाद से नियर द पोंड, एक पोंड के बगल में, तालाब के बगल, एंड रेगुलरली गोइंग टू द
बिहारी टेम्पल, वो बिहारी टेम्पल जाया करते थे। टू सिंह ए भोजपुरी चित्रा चैता, सॉरी चैता, चैता एक गाना होता था, ये चैता गाना ही ये चैता करने के लिए, वो गाने के लिए वो जाया करते थे। कहाँ पर? बिहारी जी के टेम्पल में, ठीक है। और उन्हीं दिनों वो क्या करते थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्ला खान, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर। उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर के बारे में आप क्या जानते हो? बॉर्न ऑन 21 मार्च, 21 मार्च 1916 इन बिहार। उनका जन्म जो है 21 मार्च 1961 को बिहार में हुआ था। बिस्मिल्ला खान इज नोन एज द ग्रेटेस्ट शहनाई मैस्ट्रो, वह एक महान शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। हिज फादर पैगंबर बख्श वाज आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, उनके पिताजी भी एक महान शहनाई प्लेयर थे। एंड हीज ग्रैंड फादर, उनके दादाजी रसूल बख्श वाज द शहनाई, वो भी एक शहनाई वादक थे। नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, वह नवाज भोजपुर किंग कोर्ट, वो के किंग के कोर्ट के वो क्या थे, शहनाई वादक थे। कौन? उनके दादाजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेन डिड बिस्मिल्ला खान वाज समवन टीसिंग द शहनाई फर्स्ट, हु दिस समवन वाज। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले वो प्रैक्टिस कहाँ किए थे और कौन था जिनके साथ उन्होंने किया था। वेन ही वाज 3, जब वो 3 साल के थे, ही फर्स्ट सा समवन प्रैक्टिसिंग द शहनाई, किसी ने उनको पहली बार देखा प्रैक्टिस करते हुए। दिस समवन वाज हिज मटेरनल अंकल, वो उनके मामा जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर व्हाट इंस्पायर बिस्मिल्ला टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट रागस। ये कहा जा रहा है कि वो किससे इंस्पायर हुए और कौन सा राग उन्होंने, किस राग का खोज किया, उसमें सुधार किया, रागों का आविष्कार उसने कैसे किया। इसमें लिखा गया द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा, वह गंगा से क्या हुए, प्रभावित रहे अपने जीवन में। और बिस्मिल्ला खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, और उन्होंने नई रागों का क्या किया, वह नई रागों का आविष्कार करने को प्रेरित किया उन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वाज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, वह रेडियो से कैसे जुड़े। ऑल द इंडियंस रेडियो वाज ओपन इन लखनऊ, सब ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में 1938 1938 में एंड बिस्मिल्ला खान वाज आल्सो गिवेन ए ब्रेक। ये 1938 की बात है कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनको एक ब्रेक दिया, उनको एक मौका दिया। ही शून बिकम अन ऑफन हार्ट शहनाई प्लेयर, और वो देखते देखते जो है सबके दिलों के धड़कन बन गए शहनाई में। ही वाज दस एसोसिएटेड विद द रेडियो, इस तरह से वो रेडियो से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम ए मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान के लिए उन 15 अगस्त 1947 क्यों यादगार है। वेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खान ग्रीटेड द नेशन विथ शहनाई। उन्होंने एक प्रोग्राम किया शहनाई का, उन्होंने लोगों का क्या किया, स्वागत किया इस नए शुरुआत के साथ जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे। ही बीकेम द फर्स्ट इंडियंस अचीव दिस, और वो पहले इंडियन थे जिनको ये मौका मिला था ये काम करने के लिए। सबसे पहले जो है शहनाई बजाकर उस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था डिस डे, और वह डे इन दिस वे बीकम मेमोरेबल फॉर हिम, इसलिए वह दिन जो है उनके लिए काफ़ी यादगार रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप अफगानिस्तान, जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली अफगानी यात्रा की अफगानिस्तान का, तो क्या हुआ। व्हेन ही फर्स्ट विजिट अफगानिस्तान, जब वो फर्स्ट विजिट किया अफगानिस्तान में, तो किंग जहीर शाह बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड,
जहीर खान जो वहाँ के राजा थे वो बहुत ही उनसे प्रभावित हुए। विथ हिम एंड ही गिफ्टेड बिस्मिल्ला प्राइसलेस फॉर पर्सियंस कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड देके और स्मृति चिन्ह दिए उनको, किनको? बिस्मिल्ला खान जी को। कौन दिया? किंग जहीर शाह जो अफगानिस्तान के राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच नेशन नेशनल अवार्ड वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको कौन कौन से नेशनल अवार्ड मिला है? तो उनको कौन कौन मिला है? पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और पद्म विभूषण यहाँ पर है, ये सब उनको अवार्ड मिला है, भारत रत्न भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 और शॉर्ट क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट है। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स। उन्होंने कौन सा एडवाइस दिया था अपने पेरेंट्स को जब उनको भारत रत्न मिला? ठीक है, तो देखिए ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न रिसीव करने के बाद ही एडवाइस द पेरेंट्स, उन्होंने अपने माता पिता को सलाह दी, क्या सलाह दी? टीच यू योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान की सबसे संपन्न परंपरा है। उन्होंने क्या किया? पेरेंट्स को, माता पिता को ये संदेश दिया कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को क्या सिखाओ? म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे संपन्न परंपरा है। अब लॉन्ग क्वेश्चन का बात करते हैं, लॉन्ग आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ बिस्मिल्ला खान अर्लियर लाइफ। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, उनका व्याख्या करना है। बिस्मिल्ला खान द ग्रेटेस्ट शहनाई मेस्ट्रो, वह महान शहनाई वादक थे। वाज बॉर्न इन वेल फैमिली, एक अच्छा खासा परिवार में उनका जन्म हुआ था, ऑफ बिहार, बिहार के। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके पिताजी और उनके दादाजी भी शहनाई प्लेयर थे। एज चाइल्ड बिस्मिल्ला यूज टू प्ले गिल्ली डंडा, बचपन में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। एंड रेगुलरली वेंट टू द बिहारी टेम्पल, और बिहारी जी के टेम्पल पर जाया करते थे। एंड सैंग भोजपुरी चैता देयर, और वहाँ पर ये भोजपुरी चैता गाया करते थे। ध्यान देंगे ये चैता लिखा हुआ है, ये क्या है? चैता है, CHAITRA, ये चैता है, एक तरह का गाना होता है जो भोजपुरी में। एक बार और देखेंगे, ये स्पेलिंग है CHAITA, ये चैता है, एक तरह का यह गाना है होता है जो भोजपुरी में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया था। कुल चार क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हम दो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी हम शॉर्ट शॉर्ट आंसर में हमने उस क्वेश्चन को कर लिया है, इसलिए हम सिर्फ दो ही करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्ला खान्स अवार्ड्स एंड रिकोनाइजेशन। ठीक है, रिकोनाइजेशन का मतलब क्या है, और यहाँ पर अवार्ड का मतलब तो क्या है बताइए? अवार्ड का मतलब यहाँ पर पुरस्कारों से हैं, और रिकोनाइज का मतलब है पहचान। ठीक ना, रिकोनाइजेशन। ठीक है, बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड द पद्मश्री, उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से उनको अवार्ड किया गया है। ठीक है, बिसाइड इन 201 वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड, उनको भारत रत्न मिला 2001 में। इन एडिशंस टू दिस इट वाज हु टेक शहनाई टू क्लासिकल स्टेज, उन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय है। ऑन 15 अगस्त और 15 अगस्त को 1947 को ग्रीटेड द नेशन विथ हिज शहनाई। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने राष्ट्र का अभिवादन अपनी शहनाई से किया था। अब जो डी क्वेश्चन है, वोकैबुलरी, उसको देखते हैं। अवार्ड का प्राइज है, इंस्पायर्ड का मोटिवेटेड है, टेम्पल का ये सीन है, रिवीवेड का रीइंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, बैंड का क्या है? प्रोहिबिटेड है। कैप्टिवेटेड का क्या है? चार्म्ड है। ट्रिप का जर्नी है। परफॉर्मेंस का प्रेजेंटेशन है। गेंड का क्या है? ऑब्टेंड है। सेंटर का क्या है? मिड पॉइंट है।
फाउंडली का क्या है किनली है, रेगुलरली का क्या है कॉन्स्टेंटली। ओके, मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द वेंचर्ड बिस्मिल्ला खान इन फिल्म म्यूजिक। पहला ऑप्शन है गूंज उठी शहनाई एंड सना दी अपना। दूसरा है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड एम्परर औरंगजेब बैन इन द रॉयल रेसिडेंसी, पुंगी को बैन किया था। विच साउंड वाज कंसीडर्स बी एस्पिशियस शहनाई। वैन वाज बिस्मिल्ला खान बर्न 21 मार्च 1917। एज 5 ईयर्स ओल्ड विच गेम्स डिड बिस्मिल्ला खान प्ले गिल्ली डंडा। एट वट एज बिस्मिल्ला खान वाज फैसिनेटेड विथ वॉचिंग हिज अंकल प्रेस्टिक्स शहनाई। 4 ईयर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्ला अकोम्पनी हिज अंकल अली बख्श एट वेरी यंग एज। विष्णु टेम्पल। हाउ डिड बिस्मिल्ला ग्रेट आवर नेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस बाई प्लेइंग शहनाई। वेयर वॉज बिस्मिल्ला खान फर्स्ट एब्रॉड ट्रिप अफगानिस्तान। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच फिल्म डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड बाई हिम, कौन सा फिल्म डायरेक्टर था जो इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, तो विजय भट्ट थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।